कंज्यूमर अवेकनिंग मिशन में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कंज्यूमर राइट्स पर। मैंने अपने पिछले एपिसोड में डिटेल में एवोल्यूशन ऑफ कंज्यूमर मूवमेंट की चर्चा की थी और ये भी चर्चा की थी कि किस तरह से नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर कंज्यूमर मूवमेंट चला और 1962 में यूएनओ ने 15th मार्च को वर्ल्ड कंज्यूमर डे डिक्लेयर किया। 1985 में कुछ गाइडलाइंस इशू हुई जो सारे नेशंस को फॉलो करने के लिए डायरेक्शन दी गई और उसके बाद हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी बना 1986 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। एंड सारी चीज़ें इवॉल्व होते होते एक तरह से तय हो गया कि कंज्यूमर्स के मेनली 6 राइट्स हैं। पहला राइट, राइट टू सेफ्टी, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू चूज, राइट टू बी हर्ड, राइट टू एजुकेशन एंड राइट टू गेट जस्टिस। ये 6 राइट्स कंज्यूमर्स के तय हो गए और आज हम चर्चा करेंगे पहले राइट पर, राइट टू सेफ्टी। फ्रेंड्स, केवल प्रोविजंस को जान लेने से आप किसी एक्ट को या लॉ को अच्छी तरह से नहीं समझ सकते, क्योंकि प्रोविजन ही अगर देखने हो तो आप बुक्स उठाकर उनमें जो डेफिनेशंस हैं उसको आप रट सकते हैं और अपना काम चला सकते हैं। हमारा मकसद ये है कि हम आपको धीरे धीरे उन सारी चीज़ों के बारे में बताएं जिन इश्यूज़ पर कंज्यूमर कोर्ट्स में केसेस आते हैं। हम एक एक इशू को उठाएंगे और पहला इशू हमारा होगा राइट टू सेफ्टी। राइट टू सेफ्टी में क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं और किन किन चीज़ों के लिए आप अपने राइट के अगेंस्ट लड़ सकते हैं, हम पहले ये समझाएंगे। सबसे पहले हम गुड्स पे आते हैं। गुड्स में एवरीबॉडी फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ टिल डेथ कंज्यूमर होता है। आप पहले पैदा होते ही किसके संपर्क में आते हैं? आप मिल्क बॉटल के संपर्क में आते हैं, हॉस्पिटल के संपर्क में आते हैं और एट द टाइम ऑफ डेथ everybody has to go and everybody needs wood for the last rites. तो इस बीच में हम पूरा जीवन goods खरीदते हैं और सारी goods के लिए हमारा ये अधिकार है कि जो भी बाजार में वस्तुएं बिक रही हैं वो सब standard safety norms के accordingly ही हमको मिले, यही हमारा अधिकार है। यदि हम कुछ पैसा खर्च कर रहे हैं तो जो भी गुड्स हम खरीद रहे हैं वो सारे सेफ हो, हमारी हेल्थ के लिए, हमारे पर्सन के लिए, हमारी लाइफ के लिए। तो पहले हम गुड्स को लेते हैं। गुड्स में आपकी कंज्यूमेबल ईटेबल गुड्स हैं, वो कितनी सेफ हैं ये आपका राइट बनता है। जितनी भी खाने पीने की चीज़ें हैं जो आपको मिलती हैं उनमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो सेफ़ हैं, उनका कम्बिनेशन ठीक है, कंपोजिशन ठीक है, वो आपकी हेल्थ के लिए नुकसानदेह नहीं है और उसको कंज्यूम करने से आपके उस पर आपके स्वास्थ्य पर प्रभाव नहीं पड़ता, ये आपका राइट है। जो भी चीज़ें आपको वेसल्स या और अदर आइटम्स, हाउस होल्ड आइटम्स जो आप खरीदते हैं वो सारे स्टैंडर्ड नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली वेल टेस्टेड है। ये मैन्युफैक्चरर ट्रेडर का दायित्व बनता है कि उनको प्रॉपरली टेस्ट करने के बाद ही बेचे। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं, उनका खास तौर पे इस्तेमाल जब इलेक्ट्रिसिटी के साथ होना है तो उनमें डेंजर होने का ज़्यादा खतरा रहता है, इसलिए उनका भी प्रॉपर टेस्टिंग होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, इन्हीं चीज़ों से नुकसान होता है तो ये पाया जाता है कि किसी लोकल मैन्युफैक्चरर के यहाँ से मैन्युफैक्चर होता है और कोई स्टैंडर्ड और रेप्यूटेड मैन्युफैक्चरर नहीं होता जिससे आपने चीज़ खरीदी होती है। तो यहाँ पर कंज्यूमर को भी ध्यान देना है कि आप कहाँ से चीज़ खरीद रहे हैं। आप कुछ कॉस्मेटिक्स यूज़ करते हैं या कोई कलर्स यूज़ करते हैं, वो आपकी स्किन पे रैशेस तो नहीं कर देता, आपकी स्किन को एलर्जी तो नहीं कर देता, ये सारी चीज़ें भी आपका अधिकार है। तो गुड्स को लेकर जितनी भी चीज़ें देश में बिकती हैं उन सब की सेफ्टी का ड्यूटी मैन्युफैक्चरर ट्रेडर की होगी और यदि उसमें कोई कोताही पाई जाती है तो यू हैव द राइट टू नॉक एट द डोर ऑफ कंज्यूमर कोर्ट एंड आस्क फॉर रिट्रेसल। ये तो गुड्स की बात हो गई। अब हम सर्विसेज पे आते हैं। देयर आर प्लेंटी ऑफ सर्विसेज वी हायर एवरी डे। आप इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं,
उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की भी ड्यूटी बनती है कि वो वायरिंग सिस्टम को ठीक रखे, वो सप्लाई के नॉर्म्स ठीक तरह से रखे, वो झटके से सप्लाई ना हो जिसके आपके सारे जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं वो ख़राब हो जाएं, ये सारी चीज़ें, और कहीं आपको शॉर्ट सर्किट ना हो, इन सारी चीज़ों का ध्यान इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को करना होगा। आप रेलवेज की सर्विसेज लेते हैं, रेलवेज में आप टिकट खरीदते हैं और टिकट खरीद कर जैसे ही आप प्लेटफॉर्म पर पहुंचते हैं, यू आर अंडर देयर सुपरविजन, यू आर अंडर देयर कस्टडी, और उस समय जितना भी समय आप रेलवे में रहते हैं, ट्रेन में रहते हैं या प्लेटफॉर्म पर रहते हैं और प्लेटफॉर्म से बाहर निकलने तक, तब तक आपकी सुरक्षा का दायित्व रेलवेज का होना चाहिए। मे इट बी फूड, मे इट बी वाटर, मे इट बी टॉयलेट, मे इट बी एनी अदर थिंग्स। कई बार ऐसे केसेस भी आए हैं कि रेलवे स्टेशन पर पानी की पाइप गिर जाती है और किसी के सर पे चोट लग जाती है। दिस इज ऑल्सो रेलवेज रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये सारे सेफ्टी नॉर्म्स किसको देखने हैं? रेलवे को देखने हैं। आप एयरलाइंस में ट्रैवल करते हैं, एयरलाइंस में आप एयर टिकट खरीदते हैं, जब टिकट खरीदते हैं तो एयरपोर्ट पर जब आते हैं उसके बाद से आपकी सेफ्टी का दायित्व एयरपोर्ट का है, चाहे वो एलिवेटर हो, चाहे आपका फूड हो वहाँ पर मिलने वाला, या आपका आप एरोप्लेन में बैठते हैं वहाँ पर भी आपकी सुरक्षा का दायित्व एयरपोर्ट का है, आपको एयरलाइन का है। आपको याद होगा एक बहुत बड़ा केस हुआ था जिसमें हाईजैक हो गया था हमारा प्लेन, उसमें भी दो इट वॉज नेशनल लेवल इशू, फिर भी कंज्यूमर कोर्ट में ये केस आया था और एयरलाइंस को रिस्पॉन्सिबल माना गया था हाईजैकिंग के लिए भी, उसके लिए भी उनको कंपनसेशन देना पड़ा था। इसी तरह से आप बैंक्स में जाते हो, बैंक में आपका अकाउंट सेफ होना चाहिए, आपके पैसे सुरक्षित होने चाहिए, आपके हस्ताक्षर के बिना आपका पैसा कहीं ट्रांसफ़र नहीं होना चाहिए। आप एटीएम का इस्तेमाल करते हैं, एटीएम में कुछ फ्रॉड होता है, इन सारी चीज़ों के लिए बैंक रिस्पॉन्सिबल होगा। आप कोई ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते हैं, ट्रांसपोर्ट में अगर खुदा ना खाता एक्सीडेंट हो जाता है तो ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी आपकी सेफ्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, और उसके लिए यदि आपको कुछ हानि होती है तो आपको कंपनसेट किया जाएगा। देर आर मैनी मैनी सर्विसेज लाइक दिस, हम एक एक सर्विस पे नहीं जाएंगे, बट जस्ट वी वॉन्ट टू मेक इट क्लियर कि आपका राइट टू सेफ्टी में क्या क्या चीज़ें आती हैं। आप गुड्स के लिए भी सेफ्टी की डिमांड कर सकते हैं, आप सर्विसेज के लिए भी सेफ्टी की डिमांड कर सकते हैं, आप होटल्स में स्टे करते हैं वहाँ भी आपकी सेफ्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होटल्स की है, आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं वहाँ भी आपकी सेफ्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी रेस्टोरेंट की है, कोई बैंक्वेट हॉल हायर करते हैं शादी के लिए या किसी फंक्शन के लिए, वहाँ पर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद द बैंक्वेट हॉल पर्सन एंड सर्विस प्रोवाइडर। सो फ्रेंड्स, सेफ्टी का राइट आपका बहुत डिटेल्ड, बहुत विस्तृत है, उसका स्कोप बहुत एक्सपैंडेड है। आपको ये देखना है कहाँ पर आपको गुड्स खरीदने पर आप अनसेफ हुए, कहाँ पर आपने रसोई गैस का सिलेंडर खरीदा और उसमें लीकेज हुई और ब्लास्ट हुआ तो आपको नुकसान हुआ, कहाँ पर आपके कुकर की विसल प्रॉपरली चेक नहीं थी और ब्लास्ट हो गया और आपको नुकसान हुआ। दीज आर ऑल थिंग्स यू हैव टू सी वेयर योर सेफ्टी नॉर्म्स आर कॉम्प्रोमाइज्ड। फ्रेंड्स, इफ यू लाइक आर डिस्कशन, सब्सक्राइब आर चैनल, शेयर आर वीडियो, लाइक आर वीडियो, वील कम बैक टू यू अगेन सिमिलर टाइप ऑफ टॉपिक्स ऑन कंज्यूमर लॉ, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू अस विथ पेशेंस। थैंक्स।